सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख पा रहा हूँ आपके ये हाफ इंजन का सामान है फ्रेंड, और वो जो सीट डिलक्स की गाड़ी खड़ी है उसका इंजन है, ठीक है, हाफ इंजन है। और उसमें जो हो रहा है रिंग पिस्टन काम हो रहा है, बाकी क्लच प्लेटों का काम हो रहा है। इसमें जो फ्रेंड पिस्टन जो निकला है, पिस्टन ये उषा कंपनी का ओरिजिनल निकला है। बाकी इसमें एक बार इंजन हो गया था जब उन्होंने इंजन करवाया था, तो अभी 6 महीने की बात है, छह महीने पहले जो उन्होंने इंजन करवाया था, तो इसका जो पिस्टन पड़ा था पूरी किट इन्होंने, ये देख रहा हूँ आपकी पूरी किट नई डलवाई थी, और 6 महीने में धुआं मार गई भाई। तो फ्रेंड देखो, ये किट पड़ने के बाद 6 महीने में गाड़ी धुआं मार रही है, और इसमें जो प्रॉब्लम जो थी फ्रेंड, उसके रिंग काफी कटा हुए थे, यानी कि काफी खत्म हो गए थे। मैं आपको रिंग दिखाता हूँ इसके जाने के, ये जो है बाकी मैंने सामान धो के रखा है इधर। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, इसका सामान है, बाकी रिंग विंग जो है इसके ये है, यानी कि इधर टाइमिंग चैन साइड का सामान है, बाकी टाइमिंग चैन वाइमिंग चैन सब ढीली हो गई थी, टाइमिंग चैन खराब हो गई थी। और इसमें जो स्प्रिंग निकला था, आप देख रहे हो फ्रेंड, स्प्रिंग निकला था इसमें बहुत हार्ड वाला, बहुत ज्यादा जुगाड़वादी का खराब हुआ स्प्रिंग निकला था। ये जो वाशर देख रहे हो आप फ्रेंड की, ये वाशर बहुत ज्यादा खराब है, और ये जो है ऑयल वाले बोल्ट की वाशर है, जबकि हर एक मैकेनिक इसको चेंज नहीं करता, जबकि हर एक मैकेनिक को इसको चेंज करनी चाहिए। जबकि 1 रुपये 2 रुपये की वाशर आती है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब एक बार भी अगर लीकेज शुरू होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। इसकी जो पुश जो रबड़ होती है, ये कड़ा भी निकली थी बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड। बाकी ये जो है हेड का, ये साइड का, यानी कि हेड का इसमें कुछ नहीं है, बाकी इधर टाइमिंग चैन साइड का सामान है सारा, ये रूलर रही, ये गलारी, और बाकी रिंग तो ये उगर इसकी। तो देख रहे हो जैसे कि फ्रेंड के, ये इसमें जो है, बाकी मैं इसको आपको ये सामान बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, यानी कि इसका जो इसमें कैसे कैसी क्वालिटी, मतलब क्या क्या निकला है। जैसे उन्होंने अभी 6 महीने पहले काम करवाया था, बाकी किट पड़वाई थी, किट और पिस्टन मैंने आपको दिखा दिया, इधर से काफी ज्यादा कार्बन जमा हुआ है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, और बाकी पिस्टन की हालत ऐसी है, देख रहा हूँ आप इसमें फ्रेंड, इस पे जो पिस्टन पे जो निशान पड़ते हैं ना, ये ऑयल में कतरा मिक्स हुआ होता है, यानी कि थोड़ा ऑयल साफ नहीं होता है, कतरा मिक्स हुआ होता है, तब जाके इस पे ऑयल के निशान पड़ते हैं, यानी स्पेज आते हैं, एक साइड से कम है और एक साइड से थोड़े ज्यादा है, ठीक है। बाकी इसका जो है पिस्टन फिलहाल नया पड़ेगा, अभी जो है अब इस 25 नंबर का पिस्टन पड़ेगा, और इसके जो वाल्व निकले हैं फ्रेंड, वाल्व मैं आपको दिखाता हूँ कि वाल्व की कंडीशन जो है फ्रेंड इस हिसाब से है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये छोटा वाला जो वाल्व है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, और इस साइड से इस हिसाब का देखने का जो काफ़ी कार्बन जमा है, बाकी यहाँ से जो सील लगी हुई होती है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और तो देख रहे हो आपके फ्रेंड, ये बड़ा वाला बल्ब है, पेट्रोल वाला बल्ब, और इसकी जो जगह है, इसकी ये जो सील वाली जगह है, ये भी यहाँ से खराब हो चुकी है, और इस साइड से जो है, इस साइड से यहाँ पर सीवन है, बाकी कार्बन इसमें भी बहुत सारा है। बाकी जो सीट है, इसकी सीट काफी साफ है इस बल्ब के मुताबिक, छोटे वाले बल्ब की, पर इसमें जुगाड़बाजी सही नहीं रहती है, कभी भी आप इनको क्लीन करके नहीं डालना, इसको नहीं डालना। तो प्लग है फ्रेंड में, प्लग चैंपियन का है, जो गाड़ी के साथ लगा हुआ है वही प्लग पड़ लिया है इसमें अब तक, जबकि 12,000 किलोमीटर पे हमको प्लग चेंज करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उससे स्टार्टिंग बढ़िया होती है, पिकअप अच्छा आता है, वो एवरेज बढ़िया निकलता है, ये होता है एवरेज के फायदे, यानी कि स्पार्क प्लग के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड ये स्पार्क प्लग भी नया पड़ेगा, अब मैं डालूंगा इसमें बॉश कंपनी का ओरिजिनल होता है। जो रोकर है फ्रेंड इसके, रोकर इस हिसाब के हैं, यानी कि सिटी डिलक्स 2017 मॉडल है ये बाइक जो है, और इसके रोकर इस हिसाब के हैं। बाकी ये दोनों रोकर हो गए, इसका वॉल हो गया टाइमिंग चैन प्लेट वाला, बाकी ये इस साइड का हो गया, ये जो उधर राइट साइड में जो प्लग के पास में जो पेड़ लगी रहती है वो, बाकी इसकी कैम सापट है। कैम सापट तो फिलहाल सही है, इसमें कोई भी निशान नहीं आया, जबकि एक आध बार गाड़ी सूखी चल गई थी, सूखी चलने से कई सारी प्रॉब्लम होती है बाइक में, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, हेड में हल्के फुल्के भी निशान नहीं आए। बाकी ये इसके टैपिट कवर हो गए हैं, एक टैपिट कवर इसका बहुत ज्यादा खराब है, और एक टैपिट कवर इसका थोड़ा मीडियम है, साफ है ये, नहीं जैसे ये होता तो खुलने में बड़ी परेशानी करते हैं ऐसे ऐसे बोल्ट, जबकि इतने महंगे नहीं होते हैं। तो आप फ्रेंड जब कभी आप इंजन का काम करते हो, अगर किसी भी बाइक में आप टैपिट कवर खराब देखते हो तो उसको चेंज कर दो। अगर आप राइडर भाई हो, कस्टमर भाई हो, तो आपकी गाड़ी में अगर ऐसी प्रॉब्लम है या टैपिट कवर के जो पैल होते हैं वो खराब हो गए हैं, तो फिर आप इसको नया डाल दो, क्योंकि कभी लाइफ में भविष्य में कभी बाई चांस चेकअप होता है टैपिट का, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है, छेनी हथौड़ी बजाने की जरूरत नहीं होती है, तो इससे बढ़िया आप इसको चेंज कर दें, ठीक है फ्रेंड। और ये इसके ऊपर की सेंटर की प्लेट हो गई, ठीक है फ्रेंड, और सेंटर की आप समझते हो कि यानी कि हेड के ऊपर जो प्लेट लगती है वो, इसका जो तरीका होता है फ्रेंड फिट करने का, ये जो होता है ये आप सिलेंडर की तरफ को, ये जो तीर देख रहे हो आप, इस तीर जो होता है सिलेंडर की तरफ को होता है, तब जाके सीधी प्लेट होती है, बाकी अगर आप ऊपर को कार्बेट की तरफ ऊपर के लगाते हो वैसे, तो ये उल्टी प्लेट लगती है, फिर फिटिंग में प्रॉब्लम होती है और लीकेज भी होती है वहां से फिर,
ठीक है, ये जो दो बोर्ड देख रहे हो आप, ये इसकी प्लेट के हैं बोर्ड जो आपको सामने आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हो आपके, ये सारा सामान है इसका, हेड एंड प्लेट एंड ये दूसरी प्लेट, ये टैपेट कवर, ये रोकर, ये उसका टाइमिंग चेन प्लेट वाला बोर्ड, ये कैम शावर, ये प्लग, ये वाल्व, ठीक है। और ये है इसके स्प्रिंग, इसमें जो स्प्रिंग निकलते हैं फ्रेंड, स्प्लेंडर जैसे दो ही स्प्रिंग निकलते हैं जो वाल्व के स्प्रिंग है, ठीक है। कार्टर का जो इंसान होता है फ्रेंड, देख रहे हो आप, ये कार्टर का लुक जो है ये वैसे ही सेम जैसे पल्सर का जैसा होता है, पर पल्सर से बहुत मोटी कार्टर है। पल्सर और डिस्कवर की जो होती है बहुत बारीक कार्टर होती है। जो डिजाइन है वो सेम है। बजाज प्लेटिना की जो कार्टर होती है फ्रेंड, उसमें जो कट देख रहे हो बाल में फंसने वाला, ये बीच में होता है, बाकी ऊपर को भी थोड़ा गैप होता है और नीचे को भी थोड़ा गैप होता है। तो ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे आप सारी बातें। और अब मैं इसको फिट करूंगा, मैं इसको जाता हूँ वर्क पे, यानी कि जहाँ पिस्टन बोर होता है और वाल्व सीट होते हैं वहाँ पर जाके, और फिर इसको काम कंप्लीट करके फिर मैं इसको फिट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि यानी कि क्या प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम नहीं थी। यानी कि देखो, ये 6 महीने में जो प्रॉब्लम थी, यानी कि 6 महीने में इंजन हुआ था, यानी कि 6 महीने में जो उन्होंने काम कराया था ना, मैं बताऊँ आपको कि उन्होंने एक तो क्लच प्लेट डलवाई थी और प्लस टाइम इंजन भी डलवाई थी, और दूसरी बात यह है कि सिलेंडर किट नहीं डलवाई थी कंपनी हीरो की, ठीक है ना, हीरो कंपनी की सिलेंडर किट डलवाई थी उन्होंने 6 महीने पहले। तो उसमें उसका अगर पिस्टन निकला था जो मैंने आपको बताया, उसका का पिस्टन, ठीक है। फिर 6 महीने बाद अब उन्होंने ये क्या क्या सर्विस टाइम टू टाइम कराई या नहीं कराई, और यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा दबा के धुआं छोड़ने लगी थी बाइक। तो अब जो मैंने काम किया है फ्रेंड, देखो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर उसकी पिस्टन की सिचुएशन देखूंगा, यानी पिस्टन अगर ज़्यादा लूज है तो फिर उसमें इंक्रीज हुआ काम होगा, पिस्टन नहीं पड़ेगा। अगर पिस्टन लूज नहीं है तो उसमें यानी कि खाली रिंग डाल के एडजस्टमेंट कर देंगे, वाल वाल सिले डाल के एडजस्टमेंट कर देंगे फिलहाल। और ये जो रिंग डालने वाला काम होता है और वाल सिले डाल के धुआं बंद करने वाला जो सिस्टम होता है, यानी कि ये फर्जी काम होता है, ठीक है। जब एक बार गाड़ी धुआं छोड़ने लगी तो फिर देखो फ्रेंड, में यही काम होता है कि रिंग और पिस्टन नए डले तभी बात बनती है, पिस्टन बोर होकर नया पड़े या फिर पिस्टन यानी कि पिस्टन नए डालना सही रहता है और बोर होके ही बेहतर रहता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई पुराना पिस्टन है और पुराना पिस्टन डाल दो उसी नंबर का और रिंग डाल दो चाइनीज, ऐसा भी बात नहीं बनती, ठीक है फ्रेंड। देखो अब जो मैंने इसमें काम किया, मैंने आपको बता दिया उसमें फ्रेंड, देखो क्लच प्लेट भी डाल दी, क्लच प्लेट की पहले एक वीडियो अपलोड कर दी, क्लच प्लेट चेंज देंगे, ठीक है, वो भी हीरो की यही बाइक है। और दूसरी जो बात है कि इसमें मैंने रिंग और पिस्टन नए डाल दिए बिल्कुल, और हेड के वाल्व नए डाल दिए, वाल्व सिले नए डाल दी, और टाइमिंग चेन नए डाल दी, टाइमिंग चेन के रूलर और टाइमिंग चेन की गलारी और टाइमिंग चेन पूरी किट ही नहीं डाल दी। इतनी मस्त साउंड आई है, बहुत अच्छी साउंड आई है, बहुत बढ़िया साउंड आई है इंजन की। यानी कि सारा काम होने के बाद इसमें जो काम रह गया फ्रेंड, क्लैंक शाफ्ट का ही काम रह गया था, बाकी सारा काम इट जेड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि 6 महीने पहले धुआं मार रही, 6 महीने इंजन होने के बाद फिर धुआं छोड़ गई गाड़ी, तो वो यही प्रॉब्लम थी कि उसके रिंगों में काफ़ी गैप आ गया था, रिंग घिस गए थे, चलिए चल चल गए रिंग घिस गए थे। अब ये देखो रिंग जो ख़राब होते हैं वो ऑयल ना डालने की वजह से, टाइम पे ऑयल चेंज ना करने की वजह से ऑयल रिंग और टॉप 1 टॉप 2 रिंग ख़राब होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इसी क्लच प्लेट भी खराब हुई थी, ऑयल बहुत ज़्यादा बेकार निकलता है इसमें, मैंने आपको बताया था कि ऑयल ज़्यादा बेकार ऑयल जो होता है वो इंजन की रेड़ लगाता है, यानी इंजन पर फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आप जब कभी भी यानी कि आप अपनी बाइक का मेंटेनेंस रखें, ऑयल टाइम टाइम चेंज करवाएं, और बाकी देखो इंजन को मेंटेनेंस रखने के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इंजन पे जो असर पड़ता है वो ऑयल के कारण ही पड़ता है। अगर ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होता रहे तो इंजन की लाइफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड। तो मैं जो बात कर रहा था आपको कि यानी कि जो धुआं छोड़ गई 6 महीने में, वो मैंने जो काम किया है, मैंने इसका यही काम कर दिया कि रिंग पिस्टन नए डाल दिए बोर करके, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पिस्टन पड़ा है उसमें 25 नंबर का पिस्टन डला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आप जब कोई भी अगर किसी भी गाड़ी में अगर शिकायत आती है धुआं छोड़ने की, यानी कि इंजन होने के बाद अगर बाइक धुआं छोड़ती है बहुत ज़्यादा, यानी कि इंजन होने के बाद 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने समथिंग अगर कोई भी बाइक इंजन होने के बाद धुआं छोड़ती है, तो उसमें रिंग डाल के और वाल्व सिले डाल के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2-3 महीने में इतना पिस्टन मजबूत नहीं होता, वो इतने पिस्टन पे यानी कि ख़राब नहीं होता, इतने निशान भी नहीं पड़ते पिस्टन पे, यानी कि पिस्टन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो 2-3 महीने के अंदर अंदर जो धुआं छोड़ती है गाड़ी, तो वो देखो रिंग प्रॉपर सेट ना होने के कारण, और दूसरी बात ये कि वाल्व सीले ख़राब होने से भी धुआं छोड़ती है, क्योंकि जो देसी वाल्व सीले जो होती है, फर्जी वाल्व सीले जो होती है, वो हीट होने के बाद गर्म हो जाती हैं, गर्म होने के बाद ऐसा होता है कि वो फिर ऑयल को रोक नहीं पाती,
वाल्व को नीचे क्रॉस होने से, ठीक है ना, पिस्टन फिर वाल्व के क्रॉस, यानी कि वाल्व सील डॉक नहीं पाती ऑयल को, फिर वाल्व सील लीक होती, लीक होने के कारण जो होता है वो ऑयल जो जाता है पिस्टन पे आता है, पिस्टन पे जाने के बाद फिर जलता है, जलने के बाद फिर धुआं छोड़ती है बाइक, ठीक है, ऐसा होता है प्रॉब्लम। अधिकतर जो 2-3 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम आती है इंजन में, यानी कि धुआं छोड़ने की, यानी कि ऑयल खाने की, तो वो वाल्व सील से अधिकतर आती है और रिंग से बहुत कम प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखना इस बात का। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ।